ओके, ये है हमारे पास ड्राफ्टर। अब ड्राफ्टर की वाले हिस्से को ड्राइंग टेबल पर जब आप लगाएं तो आप एक चीज का ख्याल रखें कि इसके और टेबल के बीच कोई गैप नहीं होना चाहिए, और ये वाले हिस्से को हमें बहुत टाइट लगाना है। इस हिस्से को हमें बहुत ज्यादा टाइट करना है, ये हमने टाइट कर दिया। नाउ आफ्टर, अब ड्राफ्टर पे अगर आप ध्यान से देखें तो इस जगह हमारे पास, अगर आप ड्राफ्टर पे ध्यान से देखें तो यहां पर एक लाइन है। इस लाइन को ये जो एंगल्स लिखे हैं इसमें जीरो के सामने हमें लेकर आना है। ये है जीरो बेटा, और ये रही वो लाइन। इस लाइन को हम जीरो के सामने लेकर आते हैं, और अपने ड्राफ्टर को जब हमने इस लाइन को जीरो के सामने ले आए तो अब हम इस नट को यहां पर टाइट कर देंगे। इसको ध्यान रखें कि बहुत ज्यादा टाइट ना करें, क्योंकि हमें ड्राफ्टर को कभी लूज करना कभी टाइट करना है। नाउ टाइट करने के बाद अब ड्राइंग शीट अलोंग द स्केल ऑफ ड्राफ्टर, दैट मींस ड्राइंग शीट को अलोंग द स्केल्स ऑफ ड्राफ्टर लगाना है। तो हम ड्राइंग शीट उठाते हैं, ड्राफ्टर को नीचे लेकर आते हैं, और नीचे लाने के बाद ड्राफ्टर नीचे लेकर आए, और अब इस ड्राइंग शीट को इस अलोंग द स्केल्स ऑफ ड्राफ्टर लगाया जाएगा। तो देखें ध्यान से, जी अगर आप ध्यान से देखें तो स्केल के अलोंग मैंने अपनी ड्राइंग शीट को लगा दिया। नाउ आफ्टर दैट, अब एक हाथ कस के यूं रखें, ड्राफ्टर को साइड में करें, ड्राइंग शीट ना हिलाएं, और क्लिप्स उठाएं और क्लिपिंग कर दें। एक क्लिप मैं यहां पर इस साइड लगा देता हूं। क्लिप्स अकॉर्डिंग टू द नीड लगाई जाती हैं, जैसी आपकी जरूरत, जैसी आपकी आवश्यकता। दूसरी क्लिप मैं यहां पर इस साइड लगा देता हूं। ध्यान रहे ड्राइंग शीट ना हिले, और मैंने दूसरी क्लिप यहां लगा दी। आप चाहें तो एक क्लिप इधर भी लगा सकते हैं। अब अगर आप ध्यान से देखें तो आपका ड्राफ्टर अलोंग द शीट, आपकी शीट अलोंग द स्केल्स ऑफ ड्राफ्टर लग चुका है। आप चाहें तो इसको चेक भी कर सकते हैं, आगे जाकर यहां देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने अभी अभी सीखा कि ड्राइंग शीट अलोंग द स्केल्स ऑफ ड्राफ्टर कैसे लगाई जाएगी। जब भी आप ड्राइंग बनाएं इसी तरीके को इस्तेमाल करें। थैंक यू।